फ्रेंड्स, अभी हम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं और हमने ऑर्डर किया है वृंदावन जाने के लिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये मेरा मथुरा वृंदावन ट्रिप का वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में जाके देख लीजिएगा। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप फैमिली के साथ कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, बेस्ट प्लेस है आपके स्टे के लिए वृंदावन में, जिसका नाम है रंगजी आश्रम। ये रंगजी मंदिर के नाम पे बनाया गया है और इसको बोलते हैं नया रंगजी आश्रम। और दूसरा जो प्लेस था हमने विजिट किया था उसके बाद, वो था इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। ये दोनों ही टेम्पल अपने आप में अद्भुत हैं और जब आप वृंदावन जाएँ तो इनके दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन, इस्कॉन टेम्पल को अंग्रेजों का मंदिर भी बनाया जाता है, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ पर देख रेख है, वो अंग्रेज़ों द्वारा की जाती है। और प्रेम मंदिर इतना शानदार है कि आप ताजमहल को एक बार भूल जाएंगे। उसमें बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए मेरा। जन्माष्टमी है तो आज एकदम रेड ऑटो वालों के किसी के भी एकदम आसमान छू रहे हैं। देख सकते हैं ये गलियां हैं यहाँ की, और यहाँ पे आज केवल ही केवल ये इलेक्ट्रिक वाले ऑटो चल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे ऑटो अलाउ नहीं है। आप जहाँ भी देखेंगे केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही आपको दिखेंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं, निधिवन के पास में 3-4 मंदिर और हैं, और हमने पूरा लिस्ट भी उसका तैयार किया है। जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे फिर आपको बताएंगे। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं गौशाला, कृष्णा कुटी नाम से है। यहाँ पे लोग गायों को रखते हैं और ब्रजभूमि में हमेशा ही गायों की एक महत्ता है। श्री कृष्ण को छाछ, माखन, दूध बहुत पसंद था और इसीलिए अभी भी यहाँ पे दूध छाछ सुबह के नाश्ते में लिया जाता है। लेकिन आजकल वो ट्रेंड चाय में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि दूध की हर जगह बहुत कमी है। और राइट हैंड साइड में आप देखते जाएंगे तो ये कुछ घाट हैं, यहाँ पे अभी श्री कृष्ण की मूर्ति है। और एक तरह से यहाँ पे पहले यमुना जी बहा करती थी, लेकिन अभी उनका जल स्तर कम हो गया है, अभी वो काफ़ी मतलब नीचे आ गई हैं। पहले काफ़ी उनका जल स्तर हुआ करता था। और मथुरा की, वृंदावन की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पर जो अभिवादन किया जाता है वो राधे राधे से किया जाता है। हाय हेलो जैसे फैंसी वर्ड नहीं अभी भी यूज करते हैं। ब्रजभूमि है, राधे राधे सुनने में, कहने में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकती, केवल ऑटो ही आ सकता है। और पब्लिक का भीड़ हो रहा है एकदम, ई रिक्शा, ऑटो भी नहीं, ई रिक्शा ओनली। निधिवन को देखने के लिए हमने गाइड कर लिए, केवल 50 रुपये में इन्होंने श्रद्धाभाव से बोला कि हम आपको निधिवन के पूरे दर्शन करवाएंगे। और हाँ, इससे टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है, तो टाइम भी सेव होता है। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे लोकल गाइड है, भैया अपना नाम बता दो। मेरा नाम है मुरलीधर ब्रजवास। चलिए ठीक है, इनके साथ हम घूमते हैं, हमें 4 मंदिर घुमाएंगे 50 रुपीज में, देखते हैं इनके साथ। अभी ये कौन से जा रहे हैं हम अभी? ये जो आप दर्शन करेंगे ना, इसका नाम है निधिवन राज। अच्छा, निधि माने कहते हैं खजाना। यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज ने इस जगह भजन किया था। ओके। और भजन करने के बाद में यहाँ से भगवान कृष्ण जी की मूर्ति प्रकट करी। अच्छा, 550 साल पहले। जितनी भी ये झाड़ियाँ देख रहे हो ना आप, ये 16,108 गोपी रूप है जी। अच्छा। और ये गोपियाँ भी किस समय की हैं? जनकपुर की गोपियाँ हैं, राम जी के जमाने की। इन्होंने पति रूप का वरदान श्री राम जी से मांगा था। राम जी बोले हम मर्यादा में हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कृष्णा अवतार में करेंगे। जब भगवान ने कृष्णा अवतार लिया तो इनकी इच्छा पूर्ण करी वंशी भट्ट पे। यहाँ नहीं करिए, यहाँ तो 8 सखियों के साथ रासलीला करने आते हैं, जो आज भी करते हैं। यहाँ का जो मेन दर्शन है बाबू, वो दर्शन निकल चुका है। दांतों, पान और लड्डू, वो सुबह 6 बजे हो जाता है। ये कृष्ण रूप है, ये वृक्ष देख रहे हो ना, ये भगवान कृष्ण रूप का दर्शन है। इसको बोलते हैं श्याम तमाल का वृक्ष। देखो कितना कोमल होता है इसका पत्ता, देखो जैसे मक्खन होता है, देखिए। और ये गोपी रूप है भगवान का, दोनों को देखिए कितना अंतर है दोनों में।
ये जैन पे और ये वन तुलसी है, वन तुलसी और ये श्याम तमाल का वृक्ष है, इसका नाम है हाँ ये वाला श्याम तमाल है, श्याम तमाल और ये कृष्ण रूप है जी। और जी कितना कोमल है इसका पत्ता देख लो, दोनों में अंतर है और रंग भी काला है कन्हैया का, और गोपियां सब गोरी हैं देखो इधर में, एक दूसरे में सारे वृक्ष जुड़े हुए हैं जी। ये महाराज लीला का भाव, वृंदावन के अंदर मंदिर भी 5,500 है, 6 महीना रुकोगे पूरा दर्शन नहीं कर पाओगे, 1,00,000 रुपया भी ले आओगे दान करते करते थक जाओगे, वो भी कम पड़ जाएगा। सही है। तीरथ के मंदिर 3 है यहाँ पे, जो भागवत में स्वयं वर्णन दिया है ठाकुर जी ने, इनका दर्शन करने से आपकी ब्रज यात्रा पूरी होती है, 3 मंदिर दर्शन करने से। सबसे पहला है ये निधवन, जहाँ से भगवान स्वयं प्रकट हुए, दूसरा मंदिर है बांके बिहारी जी का, और तीसरा मंदिर 4 धाम वृंदावन बिहारी का, ये 3 मंदिर मेन है। यहाँ भगवान स्वामी हरदास जी यहाँ पे जीवित समाधि लिया था, इनका मृत्यु नहीं हुआ, यहाँ पे मूर्ति यहाँ से प्रकट करी और स्वयं समाधि लिया। ये राधा और कृष्ण का दर्शन है, पतली वाली राधा है और मोटे वाले कृष्ण जी है, एक ही वृक्ष में है दोनों प्रिया प्रीतम। ये राधा है, ये राधा है पतली वाली और मोटे वाले कृष्ण जी है, ये वृक्ष इसी प्रकार से हाँ ये सब गोपी रूप में है, राधा कृष्ण के रूप में। ये काय का पेड़ है, ये वन तुलसी है सारी, वन तुलसी ये सारी बंद, एक कन्हैया जी दिखाई मैंने आपको, बाकी सारी वन तुलसी है जी। ये द्वापर युग का दर्शन है, इसका नाम है ललिता कुंड, ये महाराज लीला में 16,000 गोपियों को जल पिलाया भगवान ने बांसुरी से खोद करके, तो इनका नाम पड़ा ललिता कुंड। द्वापर में 3 ललिता सखी, कलयुग में स्वामी हरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, तानसेन बैजू बाबरा की गुरु, तो यहाँ भजन करते थे और भजन साधना से ही मूर्ति यहाँ से प्रकट करी, जो आज वृंदावन में 5,500 मंदिर है। 6 महीना भी रुको तो पूरा दर्शन नहीं कर सको, ना हम करा सकते हैं ना आप कर सकते हैं। आप हमें तीनों को आज तो मेन के कराओगे ना? हाँ, तीनों तो हम कराएंगे ही आपको। हाँ, बस हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जो मेन इन्होंने बताया कि तीनों आज जो भी है 3 मंदिर, एक तो ये है और दूसरा बाकी बिहारी जी, तीसरा 4 धाम। हाँ, तो बस ये हमारी आज यात्रा कंप्लीट करा देंगे। बिखरा हुआ मिलता है तो पुजारी उसको एक जगह इकट्ठा करके चांदी के बेड पर रख देता है, वो दर्शन आपको इस समय होता है। 7 ताले लगते हैं, 7 ताले, 7 ताले, 6 बजे आप आओगे। रंग महल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए रंग महल, और ये जगह पूरा सिंगार है राधा रानी का सामने, ये रखा साड़ी चुंदरी मेहंदी सिंदूर बिंदी सब रखा हुआ है, ये रंग महल है। हाँ जी, यहाँ भगवान रात को सोने आते हैं, चारों धाम घूम जगन्नाथ द्वारका बद्रीनाथ रामेश्वरम, उधर में सोने सिंगार रखा राधा रानी का सामने, लोगों का यहाँ पे जो यहाँ पर रुक गया और वो अंधा हो गया या मर गया, तो ये उनकी संवादियाँ बनी हुई हैं। भगवान आते हैं कि नहीं आते, सही है, रुक गए आप देख सकते हैं, ये उनकी समाधियाँ हैं, जो भक्त लोग यहाँ रुक गए थे। ये लेन की लेन बनी है, देखो ओहो, पुरानी घटना बता रहा हूँ, आज की नहीं है कोई, 40-50 साल पुरानी घटना है, ये रास लीला होती है भगवान। ये क्या जगह? ये रास मंडल बोलते हैं। हाँ हाँ, रास मंडल, 8 सखियों के साथ यहाँ रास करते हैं, यहाँ बंसी चुराई राधा रानी ने कन्हैया जी, भगवान तो सबकी चोरी करते थे, राधा रानी ने कृष्ण का चोरी किया, जो बांसुरी चुरा करके यहाँ स्वयं कृष्ण बनी है राधा रानी, तो उनका नाम पड़ गया बंसी चोरी राधा रानी, बंदर देख ले जो सामने दर्शन करेंगे। अच्छा, उनका वो है फोटो है ना उनका, हाँ मैं देखा था, एक एक फेरी लगा राधे राधे फेरी करी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, निधिवन के बाकी के दर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और आपको बताएंगे क्या हुआ जब राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुराई। टिल देन, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।